जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पाटन में एडमिशन के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी से जानकारी होना चाहिए। साथ में आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क का होता है, साथ में कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट रहता है, साथ में आप लोगों को अगर चूज करते हैं आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए ऑनर्स के लिए अगर मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं, माइनर सब्जेक्ट करते हैं, माइनर डिस्पिलेटरी सब्जेक्ट चूज करते हैं, MIC सब्जेक्ट चूज करते हैं, या आप लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करते हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो किस प्रकार आप लोगों को चूज करना है, तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो को माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चूज करके दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को सभी कंफ्यूज दूर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग भी आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सभी जानकारी के साथ सभी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए मैं फॉर्म को ओपन कर चुका हूं, जहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है। यहां पर देख लीजिए सब्जेक्ट किस प्रकार चूज करना है और कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहता है, वो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। अगर आप लोग एक बार फॉर्म भर देते हैं तो आप लोगों को 4 साल अब इसी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा सब्जेक्ट नहीं चूज होता है तो आप लोगों को समस्या हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को अच्छा सब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप लोग इंटरमीडिएट यानी आप लोग 12वीं जो है किस स्ट्रीम से पास किए हैं, साइंस से पास किए हैं अगर 8 से पास किए हैं, चाहे कॉमर्स से पास किए, अगर कोई भी सब्जेक्ट से पास किए हैं तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर ऑनर्स पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों को बता दूँ ऑनर्स पेपर था, लेकिन अब ऑनर्स पेपर को चेंज करके यहाँ पर देख लीजिए मेजर कोर्स आप लोगों को सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों को ऑनर्स पेपर आप लोगों को 200 मार्क का एग्जाम होता था, लेकिन अब उसके जगह पर आप लोगों को यहाँ पर मेजर कोर्स देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को कितना मार्क का ये होगा, कितना क्रेडिट अंक दिया जाएगा वो भी आगे जानकारी देने वाला, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोग 12th साइंस से किए हैं तो आप लोगों को साइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर ऑनर्स पेपर यानी मेजर कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग साइंस में जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यहाँ पर मेजर कोर्स आप लोगों को वो ले लेना है। अगर आप लोग 8 से किए हैं तो आप लोग 8 के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। ये आप लोगों का मेन सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए आप लोगों को 100 अंक आप लोगों का एग्जाम होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इस बार क्रेडिट सिस्टम दिया गया है। इसके लिए आप लोगों को 6 क्रेडिट यानी 6 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा, यानी जो भी आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप लोगों को 6 पॉइंट दिया जाएगा। और टोटल पॉइंट की बात करें तो आप लोगों को पार्ट वन में आप लोगों को 20 पॉइंट का एग्जाम होगा, 20 पॉइंट में आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट यानी मेजर कोर्स के लिए आप लोगों को 6 अंक दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा अंक आप लोगों को मेजर कोर्स में ही दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगला के बात करें तो आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट में आप लोगों को जैसे कि पहले सब्सिडी सब्जेक्ट में होता था कि आप लोगों को अगर हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं उसके बाद आप लोग पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो इसी प्रकार आप लोगों को सभी चूज करना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट अब उसी को चेंज करके माइनर सब्जेक्ट लेना है। माइनर सब्जेक्ट में आप लोगों का इसका भी एक सा ही मार्क का आप लोगों को एग्जाम होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्रेडिट पॉइंट कितना दिया जाएगा, तो 3 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 6 पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को माइनर के लिए आप लोगों को सिर्फ 3 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को मल्टी डिस्प्लिनरी इसके लिए आप लोगों को कितना पॉइंट दिया जाएगा, तो इसके लिए भी आप लोगों को 3 पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का एग्जाम 100 मार्क का होगा। MIL इसका मतलब आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी आप लोगों को मॉडर्न यानी आधुनिक में वर्तमान में जो भी आप लोगों को चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लैंग्वेज पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आप लोग मैथिली, उर्दू, संस्कृत, जो भी आप लोग सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो इसमें आप लोग चूज कर सकते हैं। तो आप लोगों का इसमें भी 100 मार्क का आप लोगों को एग्जाम होगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ क्रेडिट पॉइंट आप लोगों को कितना दिया जाएगा, तो 2 पॉइंट दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आप लोगों को सबसे मेन जो आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट में आप लोगों को 6 पॉइंट दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट में 3 पॉइंट दिया जाएगा, उसके बाद मल्टी डिस्प्लिनरी में भी 3 पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी MIL सब्जेक्ट में आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए SEC स्किल इनामेंट कोर्स यानी इसके मतलब आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आप लोगों को स्किल के बारे में पूछा जाएगा कि आप लोग कौन चीज़ के स्किल लेना चाहते हैं, तो वो सिंपली आप लोगों को स्किल्स चूज कर लेना है, आप लोग जो है अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग इसमें
जिसमें आप लोगों को अपना स्किल जो चीज़ है वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बी एस सी कितना होता है, क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूँ कि बी एस सी यानी वैल्यू एडेड कोर्स, यानी आप लोगों को क्या वैल्यू हो सिंपली आप लोगों को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो अब बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इसका एग्जाम कितना मार्क का होता है और इसमें कितना क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है। यानी आप लोगों को बता दूँ कि दोनों के लिए एक 100 मार्क का एग्जाम होगा, यानी 100 इसके लिए और 100 इसका, यानी दोनों के लिए एक 100 मार्क का एग्जाम होगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को 3 पॉइंट दिया जाएगा, 3 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा और इसके लिए भी 3 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। यानी टोटल क्रेडिट पॉइंट की बात करें तो आप लोगों को टोटल 20 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा पार्ट वन में। पार्ट वन में आप लोगों को टोटल 20 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को मैं सभी जानकारी बता दिया हूँ। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आप लोगों को मेन सब्जेक्ट जो होगा मेजर सब्जेक्ट उसके लिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए 6 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट के लिए 3 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए 3 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए एमआईसी यानी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए आप लोगों को, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए आप लोगों को 2 पॉइंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लिए 6 12 2 14 पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एसईसी यानी स्किल के लिए आप लोगों को 3 पॉइंट दिया जाएगा। बीएससी के लिए भी आप लोगों को 3 पॉइंट दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसी प्रकार चूज कर लेना है और इसी प्रकार आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर नहीं जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को इसी प्रकार आप लोगों को पांचों में, आप लोगों को पांच कॉलेज में इसी प्रकार आप लोगों को सब्जेक्ट आसानी से चूज करना है। इसी प्रकार अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो सिंपली यहाँ पर कॉमर्स 12th में किए होंगे तो उसी प्रकार यहाँ पर कॉमर्स के अकॉर्डिंग जो भी आप लोग ऑनर्स यानी मेजर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो सिंपली रख सकते हैं। तो साइंस आर्ट कॉमर्स के लिए सिर्फ आप लोगों को 100 मार्क का एग्जाम होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को 20 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को सभी चीज में, आप लोगों को सभी ऑनर्स के लिए आप लोगों को सेम कंडीशन है, साथ में सेम मेजर के लिए सेम कंडीशन है। तो इसी प्रकार आप लोग कोई भी ऑनर्स करना चाहते हैं, कोई भी मेजर सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को क्रेडिट सिस्टम बताया यहाँ पर, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग अगर ये मंगाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए, क्योंकि आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी सिलेबस दिया जाएगा पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को इस चैनल के द्वारा पढ़ाया भी जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सभी चीज का जानकारी दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।